अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी कभार ऐसा होता है कि घर में खाने को कुछ नहीं होता तो उसमें बहुत कम टाइम में हम आलू अंडे की भुजिया बना सकते हैं। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी साथ साथ बताऊंगी। जी, एक कुकिंग पैन में 1/4 कप ऑयल लें, फ्लेम ऑन करें और इसको मीडियम फ्लेम पे करके गरम करें। फिर इसमें प्याज डालें। ये जी, एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने इसमें काट के डाल दिया है और अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे और उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक डाल देना है। ये जी, इसको तकरीबन 1 मिनट मैंने फ्राई किया है प्याज को और अब मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम लहसुन अदरक मिक्स जो है वो डाल रही हूँ। और अब हम इसको उसमें सॉफ्ट करेंगे क्योंकि ये फ्रीज किया हुआ है। लहसुन को पीस करने की रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें, अब प्याज ज़रा मज़े के क्रिस्पी से होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये जी, एक दरमियाने साइज़ का इसमें डाल दिया है टमाटर और इसको हिलाऊंगी और 1-8 मिनट कुक करने के बाद इसमें, बल्कि अभी मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले जो इसमें जाएंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा है, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई है, 1/4 तकरीबन टेबल स्पून नमक है। अगर कम हो तो बाद में ज़्यादा डाल लें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है अभी बाद में। और ये 1/4 टेबल स्पून जो है वो खुश्क पिसा हुआ धनिया है। इसको हम इसको कुकिंग पैन में कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको अच्छे से स्टेज कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसमें। अब इसको हम 1-8 मिनट घूमने के साथ ही इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू बारीक काट कर, 1 आलू दरमियाने साइज़ का। ये 1 दरमियाने साइज़ का आलू इसमें डाल दिया। इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। और जब आलू ऑलमोस्ट कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम इसमें अंडे डाल के, अंडे फेंट के डाल देंगे, 2 से 3 अंडे। मैंने आलू डालने से पहले फ्लेम लो कर दिया था क्योंकि मैंने आलू काटने भी थे उस दौरान। अब मैं फ्लेम थोड़ा तेज़ करती हूँ ताकि आलू जो हैं वो, इसको मैं कवर कर दूँगी, आलू जल्दी से गल जाए इसी आलू के पानी में, तो फिर मैं इसमें अंडे डालूँगी। ये जी, मैंने कवर उतारा है, तकरीबन 2 मिनट के बाद आलू गल चुके हैं और अब हम इसमें फेंटे हुए अंडे डालेंगे। ये 2 अदद अंडे जो मैंने फेंट के रखे थे ये इसमें जाएंगे और इसको अच्छी तरह हम हिला लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें काट के डालूंगी। इसको अभी हम थोड़ा फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पे। ये जी, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं इसमें काट के और ये मज़े का फ्राई हो चुका है और मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा नमक मैं और डालूंगी, तकरीबन 1 चुटकी। इसको हम मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और इसको मज़े मज़े से रोटी के साथ खा सकते हैं। इसको आप ब्रेड में सैंडविच बना के खा सकते हैं, वैसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, नाश्ते में ले सकते हैं ब्रेड के साथ, पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये आलू अंडे की भुजिया का सालन। और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और इसको आप सैंडविच मेकर में जो सैंडविच बनाते हैं उसमें भी बना सकते हैं, बग़ैर सैंडविच मेकर के भी सैंडविच बना के खा सकते हैं, जैसे आपको मज़े का लगे। मैं वैसे चम्मच से भी खा लेती हूँ, ये इतना यम्मी मुझे लगता है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। इसको बनाएं, खाएं, पेश करें, दूसरों को खिलाएं और फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको और आपके घर वालों को ये बनाने और खाने के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।